क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें बताया गया अ वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी एम एन डी सी इज शोन इन फिगर कैरिंग करंट आई। देखेंगे यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे आता है और फिर ये एक सर्कुलर लूप में घूमता है, है ना। ऐसे घूमने के बाद ये इधर होकर के ऐसे निकल जाता है इधर। ये जो है इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी से ये आ रहा था, ठीक। अब आगे कहा गया ए बी एंड बी सी पार्ट्स आर स्ट्रेट, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये है ए बी, ये है डी सी, है ना, और ये है एम एन, ऐसे। तो इसमें कहा गया है ए बी एंड बी सी पार्ट्स आर स्ट्रेट लॉन्ग एंड एट राइट एंगल्स। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ए बी और बी सी, ठीक। एट डी वायर फॉर्म्स अ सर्कुलर टर्न डी एम एन डी ऑफ रेडियस आर। यहां पर पॉइंट डी जो है डी एम एन डी एक सर्कुलर टर्न बनाता है और फिर इधर निकल जाता है, ठीक। ए बी बी सी पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू सर्कुलर टर्न। ए बी जो है ये भी इसके ऊपर टेंजेंट के लॉन्ग है और जो बी सी है वो भी टेंजेंट के लॉन्ग है, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक। एट एन एंड डी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज। तो ये जो भी दिया गया है कंडक्टर, हमें इस सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें तो जो है पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है, है ना, सपोज यहाँ से r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें i करंट फ्लो कर रहा है ना। तो एक एंगल हम लोग थीटा 1 लेते हैं और दूसरा एंगल थीटा 2 लेते हैं, तो वैल्यू आता है म्यू नॉट i बाई 4 पाई r, r ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इधर लिखते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। ये कंडक्टर अगर यहाँ होगा तो ये ऐसे जा करके ऐसे मिल जाता है, अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये पैरेलल जाएगा ऐसे। तो इस फिगर में जो है थीटा 1 90 डिग्री दिख रहा है और थीटा 2 जो है वो जो भी होगा इस क्वेश्चन में 45 डिग्री आएगा, ठीक। अगर ये परपेंडिकुलर, मतलब ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोग फील्ड निकाल रहे थे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, वो अगर इसके नीचे हो, जैसे यहाँ पर आ गया कंडक्टर, यहाँ पर ख़त्म हो गया, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट जो था ये वाला पॉइंट वो कहीं यहाँ था, है ना। अब ये पॉइंट नीचे चले गया है तो इस केस में क्या होगा, ये थीटा 1 और थीटा 2 कौन सा एंगल होता है, यहाँ से जो वायर के दोनों एंड से एक उधर मिलाते हैं एक एंड पर मिलाते हैं और परपेंडिकुलर से ये एंगल बनाते हैं, ठीक। तो देखेंगे इसका एक एंड तो जा रहा है इधर इन्फिनिटी तक, तो ये तो हो गया थीटा 1, ठीक। और दूसरा एंड एक्चुअली में परपेंडिकुलर के नीचे होना चाहिए था, जैसे इसमें नीचे था लेकिन ये चले गया है ऊपर, ठीक। तो ये जो भी एंगल होगा इसको हम लोग निगेटिव में लिखेंगे। अगर इधर होता तो प्लस थीटा 2 होता, ऊपर है तो माइनस थीटा 2 में है, है ना। तो ये थीटा 2 के जगह पर माइनस थीटा 2 इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। ऐसे ही दो जो है कंडक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे ए बी की वजह से अगर चेक करेंगे तो ए बी की वजह से हमें फील्ड निकालना है कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो ये आर डिस्टेंस है, तो देखेंगे ये जो कंडक्टर खत्म हो गया यहीं पर, केवल इस कंडक्टर की वजह से निकाल रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना हो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी डी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप डी एम एन डी, है ना। तीनों पार्ट की वजह से निकालना है, तो मैं पहले ए बी की वजह से निकालूंगा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे कंडक्टर यहाँ खत्म हो गया लेकिन परपेंडिकुलर उसके नीचे है। यहाँ पर कंडक्टर खत्म हो गया, परपेंडिकुलर इसके आगे यहाँ पर पड़ रहा है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, है ना। एक थीटा जो है वो आएगा 90 डिग्री, जैसे थीटा 1 इसमें 90 डिग्री दिख रहा है ना, पर ये पैरेलल जाएगा तो एक आएगा 90 डिग्री और दूसरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। ये आर डिस्टेंस है
और ये डिस्टेंस भी आर है क्योंकि ये आर के इक्वल है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल 45 डिग्री बनेगा, है ना। तो जैसे माइनस थीटा 2 आया था, वहाँ पर आएगा साइन माइनस 45 डिग्री, ये हो गया इसकी वजह से। प्लस अब हम लोग निकालेंगे ये वाला जो है बी डी सी, इसकी वजह से, इसकी वजह से फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला लगेगा, है ना। कंडक्टर जो है इस परपेंडिकुलर के नीचे तक है, यहाँ भी देखेंगे परपेंडिकुलर, हमें फील्ड तो यहाँ निकालना है लेकिन कंडक्टर यहाँ तक है, ये पूरा कंडक्टर है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr। तो इस केस में थीटा 1 थीटा 2 दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो एक तो आएगा साइन 90 डिग्री और दूसरा आएगा ये भी 45 डिग्री का एंगल आएगा, ये भी आर है और ये भी आर के इक्वल है, इसके बराबर है ना। तो ये 45 डिग्री का एंगल आएगा पॉजिटिव में, साइन 45 डिग्री। प्लस तीसरा जो है ये सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R, है ना, ये आता है। अब डायरेक्शन चेक करते हैं, इसकी वजह से अगर देखेंगे मैग्नेट लाइन, ये करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड यहाँ पर अंदर आएगा, तो इसकी वजह से फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से देखेंगे करंट इधर जा रहा है तो इसकी वजह से फील्ड आएगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड हो गया। अच्छा, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से भी सेंटर पर आउटवर्ड आएगा, तो ये भी आउटवर्ड हो गया। इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, है ना, तो ये जो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2πr पाई प्लस 1/√2, है ना, ये आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा।